हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जय आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूं नॉनवेज की और एक सिंपल और यूनिक रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूं इलिश माछेर झोल, जो कि बंगाली वर्ड है। इसका मतलब है हिलसा मछली ग्रेवी वाली। ये हिलसा मछली की एक फेमस रेसिपी है और ये बंगाल की भी वन ऑफ द फेमस रेसिपी में से एक है, और ये बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में भी बहुत पॉपुलर है। ये फिश रेसिपी जो है वो हिलसा मछली से बनके रेडी होती है, जो बहुत ही इजी तरीके से बनती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगते हैं। तो आप भी मेरे इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए और बातें नहीं करते हैं और जल्द से जल्द रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 kg हिलसा मछली मार्केट से लेके आई हूँ। तो ये रहा वो हिलसा मछली, फ़िलहाल ये अनक्लीन है तो इसको मैं सबसे पहले धोऊंगी। तो मैं इसके साइज़ को चेक कर रही हूँ, तो ये ज़्यादा ना तो बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। तो अब मैं इसको क्लीन करूँगी। इसको क्लीन करना भी बहुत अच्छे से ज़रूरी है, और सिर्फ फिश को ही नहीं, आप कोई भी नॉनवेज को मार्केट से जब भी लेके आइए तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं क्लीन करेंगे तो उसमें बहुत सारे गंदगी जो है वो हमारे साथ साथ हमारे पेट के अंदर चली जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये तेल है मछली का, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग कर दी हूँ, और इसका जो मछली का चोंटा है वो मैं निकाल रही हूँ। हम लोग अपने इधर इसको चोंटा बोलते हैं, आप लोग अपने उधर क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैं नेल्स के थ्रू इसको हटा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा रह जाता है। ऐसे तो मार्केट में इसको क्लीन करके ही देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि हम लोग भी इसको अच्छे से क्लीन कर लें। तो यहाँ मैं एक एक पीस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मिड में जो है वो तेल के साथ साथ उसमें थोड़े थोड़े अंडे भी हैं, तो वो अंडे को भी मैं उसके साइड में ही रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं किनारे किनारे से जितना भी चोंटा है वो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, हिलसा मछली जो है वो बंगाल में ही पाई जाती है और साथ साथ बांग्लादेश में भी मिलता है, ये इंडिया के और किसी पार्ट जगह में नहीं मिलती है। ये मछली जो है वो उसको खाने से जो हमारा स्किन है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है स्किन, और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एक तरह से ये मछली जो है हेल्दी भी है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसको क्लीन भी कर रही हूँ और साथ साथ आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज भी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इस मछली के बारे में नहीं पता। तो साथ साथ मैं आपको, मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को बताती रह रही हूँ। और एक बात है इस मछली का, इस मछली को खाने से जो है हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो ये मछली देख रहे हैं कितनी फ़ायदेमंद है। लेकिन और भी इसका एक बहुत बुरा है, एक बहुत ख़राब भी है, कि इस मछली में जो कांटा है ना बहुत ज़्यादा होता है, जो हम बच्चों को तो एकदम ही नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो कांटे हैं ना वो बड़े लोग ही बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं मैं उसको 2-3 पानी से कंटिन्यू क्लीन किए जा रही हूँ, और जितना अच्छे से मैं उसको क्लीन करूँगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक एक करके मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, 2-3 बार पानी से धोते जा रही हूँ, क्योंकि जितना धोऊँगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी अगर हिलसा फिश खाया होगा तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हर जगह मिलती नहीं है आजकल तो, लेकिन रेस्टोरेंट और होटल्स, बड़े बड़े होटल्स में ये मिल जाती है। दूसरे स्टेट में एक्चुअली ये ज़्यादातर डेल्टा जगह पे ये पाई जाती है ये मछली, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिलती है। और बरसात के मंथ में इसका ये मछली जो है उसके साथ साथ अंडा भी रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब मिलने लग जाती है बरसात के टाइम पर। उसके पहले भी मिलती है लेकिन उतने बड़े बड़े साइजेस में नहीं मिलती है यहाँ पे। तो अब मैं इसको नींबू से क्लीन करूँगी, क्योंकि इस मछली में जो है मछली का जो गंध है वो बहुत तेज़ होता है, तो हम नींबू से अगर क्लीन करेंगे, नींबू या फिर आप नमक से क्लीन कीजिए, तो इन स्लोक से क्लीन करने से इसका जो गंध है मछली का, जो मछली वाला जो गंध आता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, पूरी तरह से तो नहीं जाता है लेकिन हाँ थोड़ा सा गंध कम हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको नींबू से वॉश कर रही हूँ। तो इस तरह करके मैं नींबू से और एक बार लास्ट पानी से मैं धोऊंगी अच्छे से। तो जितना हम धोएंगे उतना ही अच्छा है, जो नॉनवेज को जितना ज़्यादा क्लीन किया जाए उतना अच्छा है। तो इस तरह करके मैं फिर से अब फाइनल इसको एक प्लेट में अच्छे से निकाल दे रही हूँ।
तो जैसे कि आप फिश के साइज़ से ही पता लगा सकते हैं, ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 केजी की ही मछली है। तो उसको पूरा अच्छे से ले लिया है हम लोगों ने, 1 केजी फ़िश को ही ले लिया है पूरा। और ये फ़िश बहुत कॉस्टली भी आती है, यहाँ पे ये फ़िश बहुत कॉस्टली होती है। तो ये हम लोगों ने इस तरह करके इसको क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें डालने के लिए पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं पोस्ता दाना ली हूँ और पीला सरसों और हरी मिर्च और लहसुन लिया है। इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। फ़ोरन के लिए यहाँ पे मैंने 5 फ़ोरन लिया है और 1 सूखी लाल मिर्च। अब हम साइड में ऑयल गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ले रही हूँ। तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम थोड़ा सा फ़िश को मैरिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और कुछ नहीं। और इसको मैं हल्दी से अच्छे से मिला दूँगी, हल्दी इसमें अच्छे से मिला दूँगी। इस तरह से मैं इसको मिला दे रही हूँ हल्दी को इसमें। इस तरह से इसमें हल्दी मिला देंगे मछली में। अब जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसको चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे ताकि कढ़ाई में कहीं पे भी ये चिपके नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से मैं इसको स्प्रेड कर दी। अब हमारा ऑयल जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा फ़ोरन जो है वो निकाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे ही फ़ोरन चिटकने लगेगा, गैस का फ्लेम हम लोग यहाँ पर तेज़ ही रखे हैं, तो एक एक करके सारे फिश को डाल देंगे। इस तरह करके सारे फिश जो हैं, जितने फिश हैं उसको डाल देंगे। ये मछली बनाने का ये एक अलग तरीका है। बहुत जगह पे दूसरे दूसरे तरीके से बनाते हैं और बहुत अलग तरीके से बनता है, तो ये मेरा तरीका है। अगर होप यू लाइक इट। और बहुत लोगों को मे भी बहुत लोग बोले कि ये मछली बनाने का ये तरीका नहीं है, तो सॉरी, मैं इसी तरीके से ये हिल्सा फिश बनाती हूँ। तो ये इस तरह से मैं एक बार इसको डाल के पलट दूंगी। और उसके बाद जो हम लोग ने पेस्ट तैयार किया हुआ है सरसों और पोस्ता दाना का, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच सरसों और पोस्ता दाना का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसके बाद वो हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट है वो डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख लें। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो हरी मिर्च के साथ साथ लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और फिर 1 कटोरी पानी। पानी भी हम लोग संग संग ही डाल देंगे और फिर इसको इसमें मिला देंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने फ़िश को नहीं फ्राई किया है। फ़िश डालते ही थोड़े देर बाद ही सारा का सारा मसाला इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये मछली इसी तरीके से बनती है। बहुत जगह बहुत पॉपुलर है इलिश माछेर भापा, तो वो भी मैं आपको जल्द से जल्द बना के इस चैनल पे शो करूँगी। तो इस तरह से इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा तेज़ रखा जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी टाइप बनती है, तो इसमें थोड़ा सा तीखापन और थोड़ा सा तेज़ नमक ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डाल के इसको कवर अप कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने तेज़ रखा है। 10 मिनट बाद फिर मैं इसमें हरी मिर्च की जो कलियाँ हैं वो डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, कलियाँ नहीं, हरी मिर्च डाल के फिर इसको मिला देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रही हूँ, अगर आपको तीखा कम लगेगा तो आप कम तीखा डालिएगा। उसके बाद ये देखिए, बीच बीच में हम लोग इसको ओपन करेंगे। इसको चलाना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से इसको जस्ट ऐसे साइड बाय साइड करना, ताकि वो नीचे से चिपके नहीं। इसको ज़्यादा चलाएंगे तो ये फ़िश टूट जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, तो इस तरह करके हम इसको साइड साइड से पलट देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे तेज़ रखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी ही गल जाती है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं अगर आपको कम तीखा पसंद है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और हरी मिर्च डाल चुके हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से तीखा रखें। और फिर इस तरह से मैं इसको देखिए ऊपर ही ऊपर से हिला रही हूँ, और फिर इसको कवर अप कर देंगे। करीब 10 मिनट बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर से तेल आ गया है, और ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए। तो
गैस का फ्लेम अब हम इतने पे होके बंद कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं पसंद है तो आप इसको और ज़्यादा सुखा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी तो अच्छी लगेगी, क्योंकि आप इसको प्लेन राइस के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। सो फाइनली हमारा जो हिल्सा मछली जो है वो बनके रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक भी मछली टूटी नहीं है, पूरी की पूरी आई है, और कलर भी आप देखिए आ चुका है। तो अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो इस तरह मैं एक एक फिश करके इसको निकाल रही हूँ ताकि ये टूटे नहीं। स्टार्टिंग से मैं बोलती आ रही हूँ, ये मछली बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, तो अगर फिश ही टूट जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह करके मैं उसको एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। मैं फ़िलहाल इसको माइक्रोवेव वाले बाउल में ही निकाल रही हूँ ताकि अगर बाई चांस अगर ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं इसको बाद में गर्म कर सकती हूँ। माइक्रोवेव में भी इसको आप गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह करके मैं इस फिश को निकाल लूँगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ग्रेवी को ज़्यादा ही रखी हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा पर्सन है तो ग्रेवी भी ज़्यादा चाहिए। और अब मैं इसकी प्लेटिंग की हूँ प्लेन राइस के साथ। नॉर्मल आप देखिए प्लेन राइस है, और अब मैं इसको लेके जा रही जाऊँगी डाइनिंग टेबल पे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि वो कैसा लगा है। सो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना इजी तरीके से मैं आपको ये फ़िश बनाना सिखाई। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और होप यू एंजॉय माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो जैसे सब करते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। ऐसे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए बाय।